बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ब्रेकफास्ट की रेसिपी, जो कि बहुत ही इजी और बहुत ही क्विक से बन जाती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं, जो कि 6 अदद लिए हैं। अब हम इसको काट लेंगे। तो इस तरह से रख के हम बीच में से ये वाला पार्ट को निकाल लेंगे और एजेस को हम इस तरीके से कट करने के बाद रिमूव कर लेंगे। तो ब्रेड के स्लाइस को मैंने इस तरीके से काट लिया है, एजेस अलग हो गए और ये देखें बीच का पोर्शन अलग हो गया। तो ये मैंने सारे काट के निकाल लिए हैं। अब हम इसको साइड में कर देते हैं, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो बोल में हम डालेंगे 3 लार्ज साइज़ के अंडे। अगर आपके पास स्मॉल साइज़ के हों तो आप 5 अदद लीजिएगा, मीडियम साइज़ के हों तो 4 अदद ले लीजिएगा। तो ये अंडे चले गए इसमें। अब इसमें शामिल करेंगे हम दूध, जो कि रूम टेम्परेचर है। 1/4 कप डालेंगे हम, और ये है हमारे पास ग्रीन वाली कैप्सिकम, येलो वाली और रेड वाली, और ये थोड़ी सी हमारे पास प्याज है ऑमलेट कट। तो ये मैंने थोड़ी थोड़ी सी ली हैं सारी चीज़ें, ये चली जाएंगी इसमें। इसमें आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो सब्ज़ियाँ डालना चाहें आप डाल सकते हैं, टमाटर, हरी प्याज, जो आपकी मर्ज़ी हो, जो आपको अच्छा लगे वो इसमें ऐड कर दीजिए। तो मेरे पास ये थी तो मैंने ये डाल दी हैं। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और यहाँ पे हमारे पास है काली मिर्च, तो थोड़ी सी डालेंगे, तकरीबन आधा चाय का चमचा, टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। थोड़ा सा नमक डालेंगे हम इसमें, नमक जाएगा इसमें हसब ज़रूरत, और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, इसको फेंट लेंगे हम। तो अंडों को हमने फेंट लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम पैन में डालेंगे तकरीबन 1 चाय का चम्मच मक्खन। तो मक्खन डालें या पाल डालें या आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन मक्खन में ये थोड़े से क्रिस्पी से बनते हैं। तो इसको इस तरीके से फैला लेंगे। तो फ्लेम को हमने लो रखना है, तो इसे हम लो फ्लेम पे ही कुक करेंगे। कटे हुए एजेस को हम इस तरीके से बीच में रखेंगे और दूसरे कटे हुए एजेस को भी हम रख देंगे इस तरीके से। अब तैयार किए हुए ऑमलेट के मिक्सर को हम सेंटर वाले हिस्से में डाल रहे हैं। तो ये ऑमलेट का मिक्सर चला गया है इसमें। अब इसमें डालेंगे हम मोज़रेला चीज़। तो ये ग्रेट की भी मोज़रेला चीज़ डाल रही हूँ मैं, और ये मेरे पास है चीज़ का स्लाइस, तो ये मैं लगा दूंगी इसमें। आपकी अपनी मर्ज़ी है, इसमें जो यूज़ करना चाहें आप यूज़ कर लीजिए, मैं यहाँ पे दोनों चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो देखें ये तमाम चीज़ें करते हुए आँच को बिल्कुल ही हल्का रखना है। अब इस पर थोड़ा सा हम ऑमलेट को पोर कर रहे हैं इस तरीके से, और इसके ऊपर जो हमने काटा था ब्रेड का स्लाइस वो हम रख देंगे, और इसको इसके चिपका देंगे हम, और इसको हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे। अब इसको हम चमचे की मदद से भी हल्का सा प्रेस करेंगे, और हमने इसको टोस्ट करना है। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा चीज़ ऑमलेट टोस्ट बनता है। और अब हम इसको तकरीबन 2 मिनट के बाद फ्लिप कर रहे हैं, और ये देखें कितना प्यारा सा कलर आया है। हल्की आंच रखने की वजह से ये बिल्कुल भी जला नहीं। अब इसको पलटने के बाद हम 1 मिनट के लिए इसको कवर करके पकाएंगे, ताकि इसकी जो चीज़ है वो मेल्ट हो जाए अच्छी तरीके से। तो इसको कवर कर देते हैं, 1 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। अब तकरीबन 1 मिनट गुजर चुका है, इसको हम चेक कर लेते हैं, और ये हमारे हो गए हैं टोस्ट रेडी। तो इसको हम निकाल लेते हैं। तो ये देखें 2-in-1 है, इसमें ब्रेड भी आ गई, इसमें ऑमलेट भी आ गया, इसमें चीज़ भी आ गया। तो बहुत ही मज़ेदार सा ये बनता है, और इसका टेस्ट जो है वो बहुत मज़े का है। तो आप इसको ज़रूर बनाने के बाद इसका फीडबैक दीजिएगा, और रेसिपी आज की कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अब मैं दिखाती हूँ आपको इसका काट के लुक, और ये देखें माशाल्लाह से हमारा बेहतरीन सा ब्रेकफास्ट बनके तैयार है। तो रेसिपी अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़। और चैनल पे मेरे नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।